किसी को जूते गायब करने तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो। अजय अरे यहाँ पे कौवा पड़ा है किसी का। ये बड़ा खाली कौवा ये रहा। ये रहा। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाएंगे टोडा राइसिंग घूमने एंड जो लिस्ट घूमने के पहले पर हम जाएंगे डिग्गी का जाएंगे और रास्ते में पड़ता है सेकंड घुसल देव का मंदिर, फिर हम जाएंगे बोटिंग करेंगे वहां पर और एक दो तीन मंदिर और हैं वो देखेंगे और विसलपुर का डैम देखेंगे। एंड जी मेरी फर्स्ट ब्लॉग ट्रिप है, आप इसको इंजॉय करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। बाय बाय और मिलते हैं रेडी होने के बाद। सौ रुपए लियो मारने का पेपर मारने का। शर्म नहीं आती मेरे को। हाँ हाँ दादी दादी सौ रुपये दादी दादी पीछे वाले भी अपने दादी कितनी सैलरी मिलेगी मेरे को ये बताओ। पगार की बात करने आऊँ यहाँ पे पैसा ही पैसा होगा। आप पैसे ही देते आप दो महीने की पगार की नहीं जाती। नहीं नहीं सब बख्शीश बख्शीश इनकी शक्ल भी लिखा बख्शीश क्या देंगे ये। इकलौता ऐसा चिरांद आदमी है जिसे भिखारी भी भीख दे के जाता है। शानू ट्रैफिक खुलवाने आया है। ओके चलो। अरे आ गया यार किसी ने। फेमस मंदिर है जैसे खाटू श्याम जी है ना। हाँ वैसे डिग्गी कल्याण जी बहुत फेमस मंदिर है। ये डिग्गी कल्याण जी जो है इनको भगवान विष्णु के अवतार के हिसाब से आप मानते हैं कि उनके अवतारों में से निकले हम इस ये बीच में पड़ता है तो फिर अपन देख रहे हैं कि वहाँ तो चले रहे अपन बिसलपुर टोड़ा। हाँ। तो अपन डिग्गी कल्याण जी का भी दर्शन कर लें। ये हमारे टूरिस्ट गाइड है इनका नाम है मोहित सैनी राजू गाइड। हाँ सॉरी राजू भाई। तो हम पहुँच चुके हैं डिग्गी कल्याण जी। जैसे बताया भैया ने अभी कि ना जो मंदिर है ये विष्णु जी भगवान का एक रूप है। तो यहाँ से रास्ता पार्किंग ये पूरी पार्किंग है और दिखाता हूँ बैक का व्यू। यहाँ से आप आओगे एंट्री का कार पार्किंग करोगे कार पार्क करके फिर यहाँ से पीछे सीधा कल्याण जी के मंदिर। तो आपको गाड़ी वहाँ पार्क करनी पड़ेगी पार्किंग के अंदर जो पेड़ है फिर वहाँ से पैदल 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 जाना पड़ेगा आपको मंदिर तक। और यहाँ पे बहुत शॉप है वो चाहिए आप ले सकते हो यहाँ से इजीली है। ग्राम पंचायत द्वारा निवारित ये डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का द्वार है। विदाउट मास्क नो एंट्री करंटली सिचुएशन पर यही कहती है। अंदर कैमरे अलाउ नहीं अलाउड बट वहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से आप अंदर मंदिर दर्शन कर लो। शानू का न्यू फ्रेंड शानू जिगरी। ओ यार रुक ब्यूटी। शानू क्या कह रहे अंकल चुप कर पे कुत्ते तो नहर पे चले जाओ अंकल लोटा नहीं मेरे पास कहाँ से दूंगा मैं अपने पीछे की टुई ठीक पे आ गया। कितनी दूर है यहाँ से ना दोनों तो ना दोगे तो आया हूँ मैं हगने की दिक्कत है थोड़ी मतलब वो हगा नहीं ना मैंने तो थोड़ा अब मूड बन गया हगने का। मंदिर से बाहर आती आप राइट लोगे ना राइट लेते ही एक ऐसी जगह आती है मतलब आपको लगेगा कि आप साउथ में आ गए हो। हर जगह ऐसे पेड़ वेड़ और यहाँ पे नदी वदी खातों का व्यू। जो रोड है ये रोड यूं सीधा एंड तक और व्यू यहाँ का जो व्यू है ना और आसपास पूरा स्मोकी 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 गुच्ची पहला खर्चा ट्रिप का
डीजल का जो स्पॉन्सर कर रहे हैं हमें। कौन सा? अब तोड़ के कौन सा? ओहो ओहो, जलवा है हमारा। खर्चा स्टॉप, खर्चा यहाँ पे रुक चुका है। पैसे फास्टैग नहीं है। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है ना। बुरा भी हो तो भी अच्छे। ले भाई आने जाने की टिकट कैश ही नहीं लाया तो आपको एटीएम नहीं रस्ते में, फिर क्या करें? सब जगह यही, हमने तो स्लिप ली है सब जगह से बकायदा ऐसी। हाँ, आपके पास आईडी है आपके? आप बैठे यहाँ पे, आपका आइडेंटिफिकेशन है आपके पास? नहीं, ऑफिस तो आपके पास है, यहाँ आपके पास एट प्रेजेंट में है क्या आपके पास? लो, चल रही है ना? हाँ चल रही है। डबल रिटर्न फेक। आप टोल यहाँ क्यों नहीं ले रहे, वहाँ क्यों ले रहे हो यार? सिर्फ मिडवे में हाँ, सिम में है, सिम में आपकी गाड़ी परेंदा लेने अशोक लेन में बंद, पहले बंद हो रहा था ना ये हाँ। सिम में बाद में टेंडर हो गया तो उसने लिया, अगला शहर में अलग अलग टेंडर है दोनों का, टैक्सी में इधर कटती है सिम में उधर कटती है। और जिसको आपने बैठा रखा उसकी आईडी वगैरह तो है ही नहीं, ना आइडेंटिटी कार्ड है ना कुछ? हमारा लेना देना ही नहीं इस टोल से, उससे वो तो अलग ही टेंडर ही अलग ही है, फर्जी है तो एक तरीके का। आपके कौन दुबई में? अल्लाह अभी भी तरीका है भीख मांगने का? कैक्टस सकता है, कैक्टस हो रहा देखो। शालू की पैंट अच्छी लग रही है आज। गंदी पत्नी कहाँ कर लिया इसने यार? वहाँ जाम के अंदर। जाम में? अच्छा, ये ट्रक के वहाँ पानी के पास खड़ा हो गया भाई, चीटा मार के बेचारी बकरा। तू मीठे कैसे देख रहा है भाई? तेरा मजाक जो कर दे भाई, बहुत गंदा वाला। गाड़ी की चला। शिवलिंग है एंड जो आर्किटेक्चर है पूरी मंदिर की, एकदम लग रहा है कि हाँ पूरा डूबता मंदिर, मतलब डूबता क्या है, पानी के अंदर रहता ही है। और देखो ये जाने के अंदर ना
सबके भोलेनाथ विराजमान। जबलपुर का पानी है जो जयपुर और अजमेर पानी पीते हैं, फिर उसका डैम बना, उसका डैम है, पीछे मंदिर है, उसका बनाया बहुत प्यारा मंदिर। पीछे जो मंदिर है ना, इससे कहते हैं कि जब पानी आता है ना, पूरा ये अंदर तक पूरा मंदिर ढक जाता है। मंदिर की एंट्रेंस हुआ है, यहाँ पर शिव जी है और शिवलिंग है, अंदर महादेव जी। डैम की पाइप है, जगह पानी अजमेर जयपुर हर जगह। विसलपुर का डैम, 2 मिनट के बाद ना पीछे डैम है, डैम के जस्ट पीछे ना एक झील बनी हुई है, और झील आस पास जो है ना बैतर की समय, मतलब एकदम फ्लीट LIP, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। पहाड़ सारे, या नदी, ये बांध, ये पहाड़ देखो एक बारी, पानी जो बह रहा है वो देखो एक बारी। भाई पानी ना बहुत ठंडा, बहुत ठंडा देखो, और सामने बांध है, और जो व्यू है ना, मैं तो मन कर रहा है यहीं पे घर ले लेते हैं। वहाँ से आओगे ना तो आपको पीछे मंदिर दिखाई देगा, शिव जी का मंदिर है ये, और मेरे को ना बहुत उसका डर बना, बट तो मतलब मेरा वो है उसके बाद ना फोबिया, मंकी फोबिया, मुझे मंकी फोबिया। रुक, एंड जो मंदिर है ना ये कहलाता है शिव जी का मंदिर है, कोई महादेव का मंदिर है, श्री नरसिंह भगवान एवं श्री माता मंदिर बिसलपुर। देखो ये है शिव जी का पूरा मंदिर, मैं गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, 20 रुपए ले लेना। चक्कर नहीं आ रहे क्या किसी को? चक्कर आ रहे? मतलब एक बाथरूम होता है ना, बाथरूम वैसा ही राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, ये हाडी रानी का कुंड। और अंदर चलते, बाकी मतलब जगह अच्छी है टोडा घूमने के लिए यार, टोडा राय सिंह। ये देखो पूरा ना पार्क बना हुआ है, ये पूरा पार्क, ये है कुंड, जो ये पूरा मेन कुंड है, यहाँ पे कहते हैं ना हाडी रानी का कुंड, कुंड पूरा नीचे है, अभी दिखाते हैं कुंड चल के हमें। अब देखो ये पूरा जो व्यू है ना, मतलब फील आ रही कि हाँ कहीं घूमने आए हैं। कुंड देखो अब एक बार यार, मतलब ना डीप है पूरा, सीढ़ियाँ निकल रही हैं कुंड के लिए, देखो वहाँ पे जाऊँगा मैं भी। ये मतलब यहाँ पे ना लोग नहाते रहते हैं, अभी भी नहाते हैं लोग, और पहले नहाते थे। पूरा देखो ना आप, ये एकदम अलग सीढ़ियाँ, यूँ व्यू है ऊपर, पता नहीं क्या। Now we are at the fort of Toda Rai Singh. पूरा फोर्ट ना खाली कहने का फोर्ट है, पूरा खत्म होते एकदम खंडर है, खंडर। रस्ते कैसे बने पड़े हैं, लोग यूं मतलब हम जैसे आए ना, मैं दिखूंगा को जाकर हम जा, अब जाएंगे। देखो दीवारें कैसे रखी हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस ही नहीं किसके, तो बस ये कि हाँ आप जगह देखने बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, एकदम ब्यूटीफुल है ये, हर कमरे खुले पड़े हैं, हर चीज़ ऐसी तहस नहस रखी है। और मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द वे वी कम। हम ना देखो यहाँ से उतरे, वहाँ से पता नहीं कहाँ से घूम कर आए। पूरा फोर्ट ना एक मतलब एक यूनिक है, दिखने में अलग है, सब कुछ अच्छा है फोर्ट के अंदर, बट कुछ चीज़ें फोर्ट में ऐसी हैं जो मतलब बहुत एकदम बेकार लग रही देखने, मतलब कि ये अंडर केयर में क्यों नहीं है, कोई केयर क्यों नहीं करता, हनी सिंह केयर नहीं करता कोई, क्यों का नहीं है यहाँ पर गंदगी चारों तरफ, मतलब ये महल है क्या है ये, बहुत बढ़िया पर बड़ी शूट करे लोकेशन दी है, मतलब जो आस पास का जो लुक देगा ना, एंड इट्स रियली वर्थ टू कम एट टोडा।
मतलब इतना कुछ फ्री में यहाँ पर, खाली यहाँ पर डीजल, टोल टैक्स और खाना पीना और होटल का स्टे बस ये लगना है यहाँ पर। सारे महल मंदिर वंदिर सब कुछ फ्री है यार, और क्या चीज़ें मिलने के लिए इतने दिए सस्ते खानदान में। देखो हम यहीं से आए तो यहीं से जाना है दोबारा, एंट्री कहीं से नहीं है, पीछे से आपको आना है, यहाँ से जाना है, वहाँ से बाहर निकलना है। तो कहाँ जाएं पाजी, हम तो कहीं नहीं जाएं भाई, और इतने बड़े बड़े पेड़ के कांटे हैं ना यहाँ पर, देखो जाके दिखा या? देखो मतलब यहाँ से पहले एंट्री करो, यहाँ से फिर अंदर जाओ, पूरा घूम फिर क्या, मुझे नीचे उतरना है, दो मिनट मिलते हैं। नीचे आया फिर मैं, यहाँ से गया यहाँ पे, ये पता क्या है, ये वॉशरूम है। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तना चीज़ है यहाँ पर, देखो काटे खाई रास्ता, वहाँ से जाना है। और जहीं से हम आए थे मतलब उस टाइम में शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यार सेफ्टी कम फर्स्ट, अभी तो देखो यहाँ से निकलना है मुझे, ये देखो। तो मतलब कोई रात को आया डर जाए पूरा बंदा। अब यहाँ से देखो पेड़ में ना कांटे लगे पड़े हैं, नीचे कांटे और सूखे कांटे बहुत चुभते हैं तेज की। देखो ये कांटे एकदम खंडर चीज है यार पूरी। अब यहाँ से बाहर निकलो, पेड़ वाले कांटे हैं, ये गुफा बना रखी इन लोगों ने, गुफा बनाओ। अब यहाँ से नीचे निकलना पड़ेगा यार, देखो भाई बहुत टफ है यार। देखो पूरा ये हिस्सा, पूरा ये सब कुछ महल की प्रॉपर्टी है, ये देखो महल की प्रॉपर्टी। और यहाँ से एंट्री है जो गेट बंद कर रखा है, फिर दीवार खुद के जो मैंने दिखा है सेम सब कुछ वही है, पूरा ग्राउंड वगैरह। तो हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी, ये मेरी फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग थी, एंड सब चले गए पर मैं अकेला बताऊँ इस समय गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी पार्क करनी थी ना, क्या करें गरीब आदमी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो जाते जाते चैनल को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।